अस्सलाम वालेकुम जी, ये डिफेंस वाला रोड है, क्लैप्टन मैंने पार किया है, सामने तीन तलवार कोरंगी मुझे जाना है DHA की साइट पर, तो वहाँ के लिए मुझे यही रोड सीधा पकड़ना होगा और यहाँ से मैं पंजाब चौरंगी के कुछ डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो दिखाते हुए मज़ीद DHA को क्रॉस करूँगा। और मैंने सोचा क्यों ना आप तमाम दोस्तों के साथ भी यहाँ की सड़क की राइड जो है वो शेयर किया जाए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट सिन का कोई बैनर वगैरह है स्कॉचन का, और ये देखें यहाँ पर एक एक्सीवेटर मशीन जो है वो मौजूद है यहाँ पर। इससे थोड़ी सी आगे जो है वो पंजाब चौरंगी है और हम अंडरपास से निकलेंगे, देखते हैं अंडरपास पर क्या तमाम लाइटें ऑन हो गई हैं, कि वो भी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है क्योंकि इंडिया तो चांद पर पहुंच गया। ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। और ये देखें यहाँ पर एक लाइट जो है टेढ़ी हुई भी है, किसी भी टाइम गिर जाएगी। बहरहाल ये अंडरपास के अंदर हम जाने लगे हैं, फिलहाल यहाँ के तमाम लाइट जो है बाहर की साइड के तो ऑन है लेकिन अंडरपास के अंदर की लाइटें हमें नज़र नहीं आ रही। अंदर की लाइटें मुकम्मल बंद है, कोई लाइट यहाँ पर ऑन नहीं है। ये पंजाब चौरंगी हमने क्रॉस करने के बाद मज़ीद आगे चलते हैं। ये पूरी दिल्ली कॉलोनी वाली मार्केट है और इसके अंदर पीछे ही बैक साइड पर जो है पूरी दिल्ली कॉलोनी लगता है, और यहाँ पर ये बकरा मंडी है, और फिर दोबारा ये डायरेक्शन मैप आपको नज़र आएगा, सीधा जाना है आपने अगर कोरंगी रोड जाना है या एयरपोर्ट जाना है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और मगरिब की भी अजान हो चुकी है। ये वाली सड़क जो है इस जगह से बहुत ज़्यादा जाम मिलती है क्योंकि यहाँ पर तमाम कारोबारी ज़राए जो है वो रोड पर ही आपको नज़र आएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज करके यहाँ से गुज़रना होता है तमाम ट्रैफिक को। और हम भी यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं, ये फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे लेकिन पहले इस फ्लाईओवर के नीचे कुछ प्लांटेशन किया गया है और कुछ खूबसूरत लाइटें भी लगाई गई हैं। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइटें वगैरह यहाँ पर लगा दी गई हैं जिससे फ्लाईओवर जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर तमाम काम जो है CVC सर अंजाम देती है इस DHA के पोर्शन में। और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा तो ये Phase 2 का इलाका जो है लगता है DHA Phase 2, ठीक है। और यहाँ पर तमाम लाइटें जो है वो भी ऑन हमें नज़र आ रही हैं। सिग्नल ग्रीन हो चुका है और पीछे ये हम DHA क्रॉस करेंगे, और ये राइट साइड पर हमने टर्न लिया, DHA पीछे रह गया, और ये मेन कोरंगी वाला रोड है, सामने गोल मार्क है, और यहाँ से ही मैं सीधा चलूँगा और कोरंगी इंडस्ट्रियल वाले रोड से मैं गुजरूँगा। ये सामने अख्तर कॉलोनी है, उससे आगे कश्मीर कॉलोनी है,
मैं आपको आगे दिखाता हूँ ले जाकर। और मैं शाम में निकला था और रात हो चुकी है, रात के फोटेजेस भी GoPro के चेक हो जाएंगे कि GoPro Hero 10 रात में कितना वर्क करता है। अख्तर कॉलोनी पीछे गया है, ये सामने कश्मीर कॉलोनी है, जबकि आप राइट साइड पर सी वी ओ के लिए टर्न ले सकते हैं। ये सामने ये देखिए, ये कश्मीर कॉलोनी है। ये महमूदाबाद का नाला आ चुका है, जबकि नाले के ऊपर ही आप देखें तो मुकम्मल पथारे जो हैं वो सड़कों पर ही नज़र आएंगे। ये महमूदाबाद का नाला है और यहाँ से मैं इंडस्ट्री एरिया वाले रोड पर इसलिए टर्न लूँगा KPT इंटरचेंज फ्लाईओवर के ज़रिए, क्योंकि नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा मुझे, तो मैं कोरंगी इंडस्ट्री एरिया वाले रोड से निकलूँगा। वहाँ पर भी ट्रैफिक होगा लेकिन कम होगा। ये सड़क KPT इंटरचेंज वाली सड़क है फ्लाईओवर की। यहाँ पर अभी हाल ही में ही तमाम डेवलपमेंट के काम जो है मुकम्मल किए गए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने का तमाम काम जो है यहाँ के मुकम्मल करा दिए। ये देखें सामने KPT इंटरचेंज और ये इम्तियाज़ मार्केट, जबकि इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड वो सामने है। यहाँ से सीधा मैं जाम सादिक वाला फ्लाईओवर पकड़ूंगा। ये देखें यहाँ पर भी जो है एक छोटा सा पेच वर्क था, उसको मुकम्मल किया गया है रोड के तरफ। और ये KPT इंटरचेंज पर तमाम लाइटें जो है इस वक्त बंद है, लेकिन जाम सादिक फ्लाईओवर के ऊपर लाइटें जो है वो मुझे ऑन नज़र आ रही हैं। यानी जाम सादिक फ्लाईओवर की भाई माशाल्लाह लाइटें भी ऑन हो गई हैं। ये पूरा नदी वाला एरिया है, यहाँ पर मलीर एक्सप्रेसवे के लिए इंटरचेंज सामने तमाम बोर की मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। ज़्यादा मुड़ कर दिखाऊँगा तो पीछे से मुझे गाड़ी मार देगी, क्योंकि शाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इसी रूट पर पाया जाता है। बहरहाल यहाँ तक जाम सादिक फ्लाईओवर तक की जो तमाम रोड के हवाले से जो व्लॉग था वो मैं शेयर कर रहा था आप तमाम दोस्तों के साथ। रात के कुछ फोटेजेस, जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑन होना शुरू हो गई हैं। और मज़ीद हम यहाँ से इंडस्ट्रीरिया वाले रोड से अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।